साथियों नमस्कार, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी सैनिकों व पूर्व सैनिकों का आप सभी के आपके अपने चैनल सैनिक सुविधा पर। साथियों, अगर आप भी पूर्व सैनिक हैं तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि साथियों आज के वीडियो में मैं करूँगा वन रैंक वन पेंशन पर बात। तो साथियों, वन रैंक वन पेंशन को लेकर एक नया जुमला सामने आया है। कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक कर्नल रोहित चौधरी हैं उनका जो बयान है वो ट्वीट किया है, वो बयान आप लोगों को दिखाऊंगा। साथियों, आप लोगों से अनुरोध है आप वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आप पूरी जानकारी अच्छी प्रकार से देख सकें। अगर आप बीच में स्किप कर देते हैं तो आप महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह जाएंगे। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बयान दिखाता हूँ क्या इन्होंने बयान दिया है। इन्होंने कहा है, दुर्भाग्य की बात है बहुत सारे सर्विसमैन मोदी जी के जुमलों के झांसे में आ गए थे, क्योंकि मोदी जी ने 100 दिनों में वन रैंक वन पेंशन लागू करने की बात कही थी। आज जंतर मंतर पर बैठे हुए 3000 दिन हो गए हैं लेकिन ओआरओपी कहीं नहीं दिखी। तो साथियों, ये है एक कर्नल साहब का बयान, यानी कि जो सेना में अधिकारी थे, जो साथियों सेना में अधिकारी ने जवानों के बारे में कभी नहीं सोचा, सिर्फ उसने अपने स्वार्थ को साधने के लिए हमेशा सोचा है। ये ट्वीट जो किया है अपने स्वार्थ साधने के लिए किया एक अधिकारी ने। तो साथियों, जब से जंतर मंतर पर बैठे हुए हमारे पूर्व सैनिक 90 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, तब से अधिकारीगण को काफ़ी मिर्ची लगी हुई है। उनका ये मानना है अगर हमारे जवानों की बात मान ली गई तो हमारे अधिकारियों को कोई इसका फायदा नहीं होगा, उनको काफ़ी नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उनको वो आरोपी लागू ही नहीं है, क्योंकि वो 60 साल में नौकरी करके आते हैं, ये तो सिर्फ जवानों को ही लागू है। तो इस प्रकार से ये नए नए बयान दे रहे हैं। तो साथियों, इन्होंने कहा ओआरओपी कहीं नहीं दिखी। साथियों, ओआरओपी दिखी है लेकिन उसमें कुछ खामियां हैं, पूर्ण रूप से ओआरओपी नहीं मिली है। तो साथियों, अगर आप चाहते हैं कि हमारे जवानों को ओआरओपी का पूरा बेनिफिट मिले और अधिकारी जो जिन्हें ओआरओपी लागू नहीं है उनको इसका कोई फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए, सिर्फ हमारे जवानों को इसका फ़ायदा मिले, आप मेरी बात से कितना सहमत हैं? अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथियों में शेयर करें। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा वो वीडियो जो उन्होंने कर्नल रोहित चौधरी ने बयान दिया है। तो देखिए, अभी वो वीडियो देखिए आगे। दुर्भाग्य की बात यह है कि बहुत सारे एक्स सर्विसमैन उस समय मोदी जी के जुमलों के झांसे में आ गए और उन्होंने सोचा कि ये मोदी जी वन रैंक वन पेंशन जो है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और हम लोग उनसे मिलने गए, तो उन्होंने रिवाड़ी में रैली करने से पहले 2013 अगस्त में जो रैली की थी उससे पहले हमारे डेलीगेशंस जो गए उनको कहा कि हम आपकी ये डिमांड 100 दिन में पूरा करेंगे, पहले 100 दिन के अंदर। लेकिन रिवाड़ी रैली के अंदर उन्होंने 5 बार उस स्टेज के ऊपर घूमकर 5 बार उन्होंने कहा, मैं अपने देश के सैनिकों को नमन करता हूं, नमन करता हूं, नमन करता हूं और मैं इसको पूरा करूंगा और उनके इज्जत मान और सम्मान को देने का काम करूंगा। लेकिन उसके बाद उन्होंने नहीं किया। हम कई बार उनके पास गए, जेटली साहब के पास भी गए, राजनाथ साहब के पास भी गए, लेकिन मोदी साहब ने आज तक हमें मिलने का समय नहीं दिया। और अल्टीमेटली हमें 1.25 साल के बाद, 100 दिन की बजाय 1.25 साल के बाद हमें 2015 में जंतर मंतर पर आकर बैठना पड़ा, लड़ाई लड़ी और अनशन पे भी बैठे। आमरण अनशन चल रहा था, बिहार के चुनाव आ गए सितंबर 2015 में, तो घबरा गए। उस घबराहट के अंदर इन्होंने एक मोदी साहब उस दिन फरीदाबाद की मेट्रो का उद्घाटन करने जा रहे थे तो वहां से कहा कि मैंने वन रैंक वन पेंशन फौजियों को दे दिया है। लेकिन उसके अंदर बहुत कुछ तकलीफ, जिस तरह से हमने कहा कि भी जिस तरह से यूपीए ने एक डेफिनेशन दी थी उसके तहत काम नहीं किया, हम संघर्षरत रहे, जंतर मंतर पे बैठे रहे और आज भी हमारा तकरीबन 3000 दिन हमारे जंतर मंतर पर पूरे हो चुके हैं लेकिन आज तक हमें वो ओआरओपी कहीं दिखाई देने को नहीं मिल रही है। तो साथियों, देखा आपने इस वीडियो में किस प्रकार से कर्नल साहब हमारे जेसोज ओआर की संपत्ति लेने के लिए ये बयान दे रहे हैं, तो ये मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था।
साथियों ये थी मेरे द्वारा दी गई आज के वीडियो में जानकारी। मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।